गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 25 स्टार्ट करें अपना आज से, जिसका नाम है डायनेस्टीज एंड किंगडम्स। ठीक है, यानी कि राजवंश और उनके साम्राज्य, उनके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर देखिए मौर्य डायनेस्टी, यानी कि मौर्य वंश हमारा क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 300 BC to 184 BC। ठीक है, यानी कि 300 BC से लेकर इसका साम्राज्य कब तक था, 300 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट से 184 BC तक इसका साम्राज्य था। ठीक है, इतने वर्षों तक इनका साम्राज्य चला। अब इसमें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। द मौर्य डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय द ग्रेट रूलर नेम्ड चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश का स्थापना किसके द्वारा हुई थी, महान रूलर जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुई थी। इट वॉज स्प्रेड ओवर द रीजन ऑफ मगध इन द वैली ऑफ गंगा विथ इट्स कैपिटल एट पाटलिपुत्र। ठीक है, यानी कि इस साम्राज्य का जो विस्तार था वो कहाँ तक था, गंगा घाटी में मगध से लेकर, ठीक है, गंगा घाटी में पूरा मगध, साथ साथ इसकी कैपिटल जो थी पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना के नाम से जानी जाती है, इसका विस्तार इतना पूरा था। ठीक है, दिस डायनेस्टी वॉज एक्सपेंडेड टू द साउथ एंड वेस्ट फर्स्ट बाय द चंद्रगुप्त, यानी कि इस राजवंश का, इस वंश का जो विस्तार किया गया था, सबसे पहले साउथ और वेस्ट में, यानी कि दक्षिण और पश्चिम में, सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वारा किया गया, और उसके बाद लेटर बाय हिज सन बिंदुसार, यानी उसके बाद किसके द्वारा किया गया, इनके पुत्र यानी चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार द्वारा किया गया। ठीक है, अशोका द ग्रेट वॉज अनदर माइटी रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, इसी राजवंश के शासक महान अशोक भी थे, जिन्हें अशोक द ग्रेट कहा जाता है, वो भी इसी वंश के शासक थे। अशोका फॉर द फर्स्ट टाइम यूनिफाइड मोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि अशोका ने पूरे इंडिया में सबसे, अशोक पहले ऐसे थे जिन्होंने भारत का एकीकरण किया। ठीक है, ही फॉट सेवरल बैटल्स एंड गेव अप फाइटिंग आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, उन्होंने यानी कि अशोका ने बहुत सारे युद्ध किए, और उनका आखिरी युद्ध कौन सा था, यानी कि जिसके बाद उन्होंने गेव अप कर दिया था, आखिरी युद्ध था उनका बैटल ऑफ कलिंगा, जिसके बाद उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुषाण डायनेस्टी, अब देखेंगे कुषाण वंश के बारे में। इसका साम्राज्य कब तक था, मतलब कब तक ये चला, कितने वर्षों तक, यानी 40 AD से 176 AD तक इसका साम्राज्य था कुषाण वंश। देखते हैं, द कुषाण डायनेस्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय द ग्रुप ऑफ नोमैडिक पीपल हु वर फोर्स्ड आउट ऑफ चाइना व्हेन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी कि कुषाण वंश की स्थापना जो है वो उत्तर पश्चिम में भारत के खानाबदोश लोगों के द्वारा हुई थी, यानी कि एक ऐसा समूह जिनका कोई अपना ठिकाना नहीं होता है, ऐसे लोगों के द्वारा कुषाण डायनेस्टी की स्थापना हुई थी, कुषाण वंश की स्थापना हुई थी। इन लोगों को चीन से बाहर निकाला गया था जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का विस्तार पश्चिम की ओर किया जा रहा था। ठीक है, फिर है दे मेड पुरुषपुरा दियर कैपिटल, यानी कि उन्होंने पुरुषपुरा को अपनी राजधानी बनाई, जो कि अब किस नाम से जानी जाती है, जो कि पाकिस्तान में अब पेशावर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, फिर दिया है कनिष्क वॉज द ग्रेटेस्ट कुषाण किंग हु वॉज अ डिवोटी बुद्धिस्ट, कनिष्क कुषाण साम्राज्य का, कुषाण वंश का बहुत ही महान शासक था, और यह एक बुद्धिस्ट भी था। ही वॉज अ लवर ऑफ आर्ट, वह एक कला प्रेमी था। ही वॉज अ ग्रेट एम्पायर बिल्डर एंड एक्सटेंडेड हिज एम्पायर अक्रॉस ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, यानी कि उसने एक महान साम्राज्य का निर्माण किया था, और उसने पूर्वी और मध्य भारत में अपना साम्राज्य बढ़ाया। ही इस्टेब्लिश द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, उन्होंने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की टू मेक आर्ट पॉपुलर इन हिज एम्पायर, अपने साम्राज्य में कला को काफ़ी विस्तार देने के लिए, काफ़ी पॉपुलर बनाने के लिए उन्होंने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की। चरक द ग्रेट एंशियंट इंडियन फिजिशियन, यानी प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग हिज रेन, यानी कि चरक जो कि महान इंडियन फिजिशियन थे, भारतीय फिजिशियन थे, वो भी इन्हीं के साम्राज्य में उन्होंने बहुत टाइम तक प्रैक्टिस की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुप्त डायनेस्टी, इनका साम्राज्य कब तक था, यानी गुप्त वंश का साम्राज्य कब तक था, 320 AD से लेकर 550 AD तक। नेक्स्ट है आपका देखिए
द गुप्ता डायनेस्टी फ्लोरिस्ट इन द मगध रीजन ऑफ द गंगा वैली, यानी कि गुप्त वंश गंगा घाटी के मगध क्षेत्र में बढ़ता रहा था, यानी वहाँ पर इसकी स्थापना हुई। इट्स कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू ऑल्सो कॉल्ड विक्रमादित्य एंड स्कंद गुप्त वन माइटी रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के यानी इस वंश के महान शासक कौन कौन थे? चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और स्कंदगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त बहुत सो ग्रेट दैट ही इज़ नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। इनमें से समुद्रगुप्त बहुत ही महान थे जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। द पीरियड ऑफ गुप्त डायनेस्टी इज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। गुप्त डायनेस्टी के पीरियड को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। सेवरल ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक कालिदास, आर्यभट्ट, वराह मिहिर एक्सेट्रा लिव्ड ड्यूरिंग दिस एज, यानी कि बहुत सारे अच्छी अच्छी बहुत सारी महान पर्सनालिटीज इस वंश के शासन में थी, जैसे कि कालिदास जो कि महान पोइट थे, आर्यभट्ट जो कि एक एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे, और वराह मिहिर, इन जैसे इनके इस वंश में इस उन्होंने अपना कह सकते हैं कि अपना जीवन व्यतीत किया है। द रिलीजन, आर्ट एंड कॉमर्स वर ऑन दियर पीक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस डायनेस्टी, यानी कि इस वंश में इस जब ये साम्राज्य चल रहा था गुप्त वंश, उस समय पे धर्म, कला और जो कॉमर्स आपका वो काफ़ी डेवलप्ड वे में चल रहा था, काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बौधन डायनेस्टी। ठीक है, यानी बौधन वंश की स्थापना के बारे में और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका शासनकाल था कितना, 550 AD से 650 AD तक। ठीक है, द बौधन डायनेस्टी फ्लोरिस्ट इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि बौधन डायनेस्टी कहाँ पे बढ़ा, आपके उत्तर भारत में इसका विस्तार हुआ। हर्षवर्धन वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, हर्षवर्धन इस साम्राज्य के इस वंश के महान शासक थे। ही वॉज अ डिवोट बुद्धिस्ट एंड एन इनलाइटेंड एज वेल एज कल्चर्ड रूलर, वह एक धर्मनिष्ठ बुद्धिस्ट थे और सुसंस्कृत शासक भी थे, यानी कि बहुत ही अच्छे एक संस्कृत कल्चर्ड शासक थे। ही इस्टेब्लिश्ड अ लार्ज एम्पायर इन द सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया, इन्होंने अपना साम्राज्य कहाँ का स्थापित किया, मध्य और कह सकते हैं उत्तर भारत में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ए चाइनीज पिलग्रिम नेम्ड ह्यून सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन, यानी कि इनके साम्राज्य के दौर पर एक चाइनीज़ यात्री जिसका नाम था ह्यून सांग, उन्होंने भारत का दौरा किया, उन्होंने भारत की यात्रा की। हर्षवर्धन वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट, हर्षवर्धन कला का बहुत अच्छा मतलब कला का प्रेमी था, एंड लिटरेचर और साहित्य का प्रेमी था, एंड वॉज सुप्रीम रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया एट दैट टाइम, और उस समय का उत्तर भारत का बहुत ही महान शासक था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजपूत किंगडम। राजपूत किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। 650 AD से 1200 AD यानी कि 650 AD से 1200 AD तक इसका साम्राज्य था, इसके बारे में पढ़ते हैं। राजपूत इस्टेब्लिश्ड दियर किंगडम इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर द बौधन डायनेस्टी, यानी कि बौधन वंश के बाद उत्तर भारत में राजपूत साम्राज्य की स्थापना हुई। दे रूल फॉर अबाउट 500 ईयर्स, इन्होंने 507 सालों तक शासन किया। पृथ्वीराज चौहान वॉज द ग्रेटेस्ट राजपूत किंग, पृथ्वीराज चौहान इस किंगडम के यानी कि राजपूतों के सबसे महान शासक रहे हैं। ही रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ दिल्ली, उन्होंने दिल्ली के साम्राज्य पर शासन किया। ही डिफीटेड मोहम्मद गोरी इन 1191 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, बट मोहम्मद गोरी डिफीटेड हिम द नेक्स्ट ईयर, यानी कि इन्होंने 1191 में मोहम्मद गोरी को तराइन के पहले युद्ध में हराया था, लेकिन उसके अगले साल यानी कि 1192 में मोहम्मद गोरी ने इन्हें हरा दिया था। बुंदेलखंड एंड मेवाड़ वर अदर मैग्निफिशेंट राजपूत किंगडम, बुंदेलखंड और मेवाड़ राजपूत किंगडम के और मतलब राजपूत साम्राज्य के काफ़ी अभिन्न अंग थे। जयचंद राठौर, राणा कुंभा, राणा सांगा एंड राणा प्रताप वर सब अदर ब्रेव राजपूत किंग्स, यानी कि जयचंद राठौर, राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा प्रताप ये भी राजपूत
डायनेस्टी के यानी कि राजपूत किंगडम के काफी महान शासक रहे हैं। नेक्स्ट है आपका बहमनी किंगडम यानी बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बारे में। तो इसका शासन कब था? 1346 से 1526 AD तक। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। द बहमनी किंगडम वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय जफर खान इन द डेक्कन रीजन ऑफ साउथर्न इंडिया अंडर द रीन ऑफ मोहम्मद तुगलक। यानी कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद तुगलक के शासन में दक्षिणी पश्चिम के दक्कन क्षेत्र में जफर खान द्वारा की गई थी। ठीक है, दिस किंगडम लेटर स्प्लिट इंटू 5 इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी कि इस साम्राज्य का बाद में 5 इंडिपेंडेंट भागों राज्यों में विस्तार हुआ, बट गई है, नेमली जिनका नाम था बिदार, बिरार, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। 4 ऑफ दीज किंगडम एक्सेप्ट बिरार, यानी कि बिरार को छोड़कर बाकी चारों जो आपके साम्राज्य थे केम टुगेदर, ये साथ में आए एंड फॉट अ वॉर अगेंस्ट द किंगडम ऑफ विजयनगर, और विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध इन चारों ने एक लड़ाई लड़ी एंड डिफीटेड इट एट द बैटल ऑफ तालिकोटा इन 1565। यानी कि इन्होंने विजयनगर किंगडम को हराया किसमें? 1565 में हुए तालिकोटा के युद्ध में। लास्ट है आपका विजयनगर किंगडम यानी विजयनगर साम्राज्य के बारे में। 1336 से 1565 AD तक इनका साम्राज्य था। विजयनगर वॉज अ हिंदू किंगडम एंड वॉज सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ बहमनी किंगडम। यानी कि विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य था और यह बहमनी साम्राज्य के दक्षिण में स्थित था। ठीक है, दिस किंगडम वॉज फाउंडेड बाई 2 ब्रदर्स बुक्का राय एंड हरिहर इन 1336 AD। यानी कि इस साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? 1336 AD में हरिहर और बुक्का राय नाम के दो भाइयों द्वारा हुई थी। कृष्णदेव राय वॉज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ द किंगडम। यानी कि इस साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। राम राय वॉज द लास्ट किंग ऑफ दिस किंगडम। राम राय इस साम्राज्य के आखिरी राजा थे। हु वॉज किल्ड इन द बैटल ऑफ तालिकोटा, जो कि जिनकी मृत्यु तालिकोटा के युद्ध में हुई थी, जिन्हें तालिकोटा के युद्ध में मार दिया गया था।